समस्या है या आपको प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम है और आप इसको परमानेंटली ठीक करना चाहते हो, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी टेक्निक को फॉलो कर सको और अडॉप्ट कर सको जब भी आप सेक्स करो। कुछ दिन पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था एक नेचुरल ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग अगर आप 2-3 महीने अडॉप्ट कर लेते हो, उसको फॉलो कर लेते हो, तो आपका पेनिस खुद ब खुद सीख जाएगा कि मैंने जल्दी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होना। उसमें नेचुरल वे से ही एक इंस्टिंक्ट आ जाएगी आपके पेनिस को कि वो जल्दी जल्दी डिस्चार्ज नहीं हो पाएगा। और आज की वीडियो पार्ट 2 में मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ, अगर आप उन तरीकों को फॉलो कर लेते हो जब भी आप सेक्स करते हो तो आप जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगे, आपकी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कुछ टाइम के बाद परमानेंटली क्योर हो जाएगी। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे ताकि आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन फॉलो कर पाए। दोस्तों, मैं डॉक्टर कपूर, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड सीनियर सेक्सोलॉजिस्ट, लास्ट 41 ईयर से मैं सेक्स के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं। आप हमारे ऑनलाइन ट्रीटमेंट और हमारी कस्टमाइज्ड मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो, आप हमारी वेबसाइट drkapoorclinic.com पे जाइए। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स देयर, वहां से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना चाहते तो आप मुझे मेरे नंबर, सेल नंबर 9417940007 के ऊपर कॉल करिए, आपको जो भी आप पूछना चाहोगे आपको बता दिया जाएगा। टेक्निक्स की बात करते हैं, जिन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपना सेक्स टाइम बहुत ज्यादा हद तक बढ़ा पाओगे। सबसे पहला पॉइंट, इस पॉइंट में आपने अपने पेनिस को एक ट्रेनिंग देनी है, ट्रेन करना है 2-3 महीने, एक एक्सरसाइज है, वो भी मैंने एक वीडियो में बताया था जो मैंने 5-6 दिन पहले अपलोड की थी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और आप अपने पेनिस को ट्रेन करना चाहते हो कि वो जल्दी डिस्चार्ज ना हो, तो आपने उस वीडियो को जरूर देखना है और उस एक्सरसाइज और उस ट्रेनिंग को आपने 2-3 महीने फॉलो करना है ताकि आपका पेनिस कंप्लीटली पूरे एक्सपर्टाइज तरीके से सीख जाए कि उसने डिस्चार्ज नहीं होना। ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरे नंबर की मैं बात करता हूँ, कुछ मार्केट में कुछ ऐसे एनेस्थेटिक क्रीम्स आती हैं, कुछ ऐसे टॉपिकल जो स्किन के ऊपर लगाने वाली क्रीम्स आती हैं जो नमनेस पैदा करती हैं, जो आपके बॉडी को, आपकी जगह, अगर आप बॉडी के ऊपर लगाते हो, अगर आप हाथ के ऊपर लगाते हो तो वहां पे नमनेस पैदा होती है, वहां पे सेंसिटिविटी कम हो जाती है। आपने वो क्रीम का डेफिनेटली यूज करना है और जब भी आप सेक्स करना स्टार्ट करते हो तो आपने उस क्रीम को थोड़ा सा, इतना सा निकाल के अपने ग्लैंड के ऊपर, आपके पेनिस के हेड के ऊपर इसको धीरे धीरे आराम से मसाज कर लेना है और इसको 5 मिनट या 10 मिनट रखने के बाद इसको साफ कर देना है। और उसके ऊपर तीसरे पॉइंट के ऊपर आपने कॉन्डम डाल लेना है। कॉन्डम किस क्वालिटी का होना चाहिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको जरूरी नहीं भी आप इम्पोर्टेड कॉन्डम यूज करिए, कोई बहुत महंगा यूज करिए, मगर ये आप सुनिश्चित कीजिए कि आपका कॉन्डम फटने वाला ना हो। किसी अच्छी कंपनी का खरीदिए, ज्यादा महंगा ना हो, उसको यूज करिए। पहले आपने क्रीम लगाई, 5-8 मिनट रखा, उसके बाद उसको आपने साफ कर दिया और उसके बाद आपने कॉन्डम पहन लिया। यहां तक तो आप फ्री फॉलो कर गए ना, पूरा समझ गए हो ना। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको डेफिनेटली स्ट्रेस करूंगा कि आपने जब भी आप फोर प्ले करते हो, आप किसी भी तरह से फोर प्ले करिए, आप निप्पल को छूइए, निप्पल को सक कीजिए, बॉडी को टच कीजिए, हाथों से बॉडी को टच कीजिए, ओरल सेक्स कीजिए, कुछ भी करिए, आप अपनी पत्नी को, आप अपने फीमेल पार्टनर को फुली एक्साइट कीजिए, तो उस टाइम
जो आप 10-15-20 मिनट यहाँ पे लगाते हो, तो कुछ टाइम ये आपने कंफर्म करना है कि आपका पीनस आपकी फीमेल पार्टनर की बॉडी के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये अत्यंत जरूरी है। अगर आपका पीनस उसकी बॉडी के साथ टच होता है तो वहां पे एक्साइटमेंट बढ़ेगी। आपने टच नहीं होने देना, इस चीज का ध्यान रखना है। सिंपल सी बात है, थोड़ा आराम से काम करिए, हाथों से काम करिए, अपने मुख से काम करिए, मगर पीनस को थोड़ा डिस्टेंस पे रखिए ताकि उसकी बॉडी के साथ टच ना हो पाए। और उसके बाद आप जब सेक्स स्टार्ट करते हो, आपको पूरी इरेक्शन आ चुकी है, पीनस के ऊपर कॉन्डम लगा हुआ है, आप उसको इंसर्ट करिए। और इंसर्ट करने के बाद जब आप स्ट्रोक लगाते हो तो यहाँ पे भी आपने ये सुनिश्चित करना है, ये कंफर्म करना है कि आपने स्ट्रोक धीरे धीरे लगाने हैं, फास्ट नहीं लगाने, जल्दी जल्दी नहीं करना। चक तक ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, करना है आराम से, आराम से, आराम से। आप जितनी देर मर्जी करते रहो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। हाथों से यूज करिए, मुंह को यूज करिए, हाथों को यूज करिए और स्ट्रोक लगाते रहिए जितनी देर मर्जी आप करिए। और जब आपको लगे, और यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, ये देखने वाली बात है कि जब आपको लगे आपका पीनस एक्साइट हो रहा है, आपके पीनस में डिस्चार्ज टाइम जल्दी नजदीक आ रहा है, आपका पीनस का डिस्चार्ज टाइम नजदीक आ रहा है, हर एक आदमी को पता लग जाता है कि मेरा पीनस डिस्चार्ज हो जाएगा 2-3 मिनट में, ये सभी को पता लग जाता है। ऐसा नहीं आप ये नहीं बोल सकते भी हमें तो पता ही नहीं लगता भी हमें कब डिस्चार्ज हो गया। और जब आपको लगे आपका पीनस डिस्चार्ज होने वाला है, आप कम से कम 2-2.5 मिनट तक रुक जाइए, पीनस को अंदर रखिए या बाहर निकालिए, आपकी मर्जी, मगर उस टाइम आप स्ट्रोक लगाना बंद कर दीजिए और लंबे लंबे सांस लीजिए, लंबे लंबे अपनी छाती को फुलाकर लंबे लंबे सांस लीजिए। और जब आपका वो टाइमिंग, जब आपके अंदर जो उत्तेजना उठी है डिस्चार्ज होने की, वो शांत हो जाए, तो आप फिर धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना शुरू कर दीजिए। यही प्रोसीजर आपने बार 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 रिपीट करना है। आप 2 बार करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, यही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करना है। और जब आप इसको डिस्चार्ज करना चाहते हो, आप जल्दी जल्दी स्ट्रोक लगाइए, आप फास्ट स्ट्रोक लगा के अपने आप को डिस्चार्ज कर सकते हो। अगर आप मेरी बताई हुई कुछ टेक्निक्स को फॉलो करते हो, कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ तरीकों को फॉलो करते हो, तो आपका टाइमिंग बहुत हद तक बढ़ जाएगा। 15-20 मिनट तो कोई बात ही नहीं है, आप यू कैन आप आधा घंटा तक भी सेक्स कर सकते हो। मगर जो मैंने आपको बताया, जो मैंने आपको टेक्निक बताई, इसको इन बिन फॉलो करना है। ऐसा नहीं इस कान में डाल दिया और इस कान में निकाल दिया, ऐसा नहीं करना, इसको फॉलो करना है। ड्यूरिंग द सेक्स आपने इस टेक्निक को 100% फॉलो करना है, A to Z फॉलो करना है। तो उसके बाद 2-4 बार ट्राई करिए। पहले पहले हो सकता है आपको कुछ और सा लगे, मगर 2-4 बार करने के बाद जब आप इसमें अडेप्ट हो जाओगे, इसमें माहिर हो जाओगे, तो फिर आप मुझे बताना, फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिखना कि आपका बेनिफिट हुआ या नहीं। आप मुझे बता सकते हो बेझिझक, बेझिझक होकर अपने मन की बात मेरे साथ डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, मुझे फोन पे भी बता सकते हो आपका टाइमिंग बढ़ा या नहीं बढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ मेडिकेशंस के बारे में, कुछ होम रेमेडीज के बारे में बताऊंगा कि अगर आप उनको भी इसके साथ साथ यूज करते हो तो आपका टाइमिंग बहुत हद तक बढ़ जाएगा। आधा घंटा तो बात ही कुछ नहीं है, जितनी देर मर्जी आप चाहो अपना सेक्स को एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। इसलिए वो मेरे आने वाली तीसरी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल के बटन को दबाइए ताकि वो आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंटली आपके पास आ जाए और आप अपने और आप बताई हुई मेडिकेशंस और होम रेमेडीज को भी फॉलो करने लगो और अपने सेक्स लाइफ को एंजॉय करो। थैंक यू वेरी मच।